साल इन लोगों पर विश्वास किया। आज जो सरकार है बिहार में महागठबंधन की, पिछले 33 सालों से यही सरकार है कि नहीं है? काजी 33 सालों से बिहार में यही लोग हैं। इससे पहले हम लोगों ने राजद को देखा जो आज भी सरकार का हिस्सा है। लालू जी राबड़ी जी का शासन हम लोगों ने देखा। पिछले 19 सालों से हमारे आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कुल मिलाकर 33 सालों से ये सरकार है। जो लोग 33 सालों में हम लोग का विकास नहीं कर पाए, क्या वो आने वाले दिनों में हम लोग का विकास करेंगे? करेंगे चाची? तो इन लोगों को सत्ता से हटाना जरूरी है। जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते करते कभी ये लोग अगला पिछड़ा की राजनीति करेगा, कभी दलित को महादलित करेगा, कभी पिछड़ा को अति पिछड़ा करेगा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम, सिर्फ जात पात की राजनीति ये लोग करता है। और इस राजनीति को करते करते 33 सालों से बिहार की जनता का वोट ये लोग लेता है। पर आज 33 साल होने के बावजूद आज भी बिहार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हम लोग शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य सेवा तमाम विकास के मापदंड में सबसे पिछले पायदान पर आते हैं। आज भी हम लोगों को अपने इलाज के लिए महिलाओं को हम देखते हैं, बुजुर्गों को हम देखते हैं, दिल्ली में एम्स के सामने लड़ाई लगा कर खड़े रहते हैं दिनों तक डॉक्टर से मुलाकात करने के लिए। क्यों ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? आज देश भर में एक से एक शैक्षिक संस्थान खुल रहे, वही हमारे प्रदेश में शैक्षिक संस्थान खुलना तो दूर की बात। यहाँ पर जो डिग्री का कोर्स होता है कितने साल चलता है भैया? 5 साल 6 साल तक यहाँ पे डिग्री का कोर्स चलता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एग्जाम होने से पहले ही क्वेश्चन लिख रहे और अफसोस की बात ये कि ये तमाम खबरें जब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती है तो बदनाम मेरा बिहार होता है। आज आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, दूसरे राज्यों में लोग हमारे प्रदेश को ही भावना से देखते हैं। लोग बोलते हैं कि बिहार वही प्रदेश है जहां पुल हवा में गिर जाता है, जहां बाढ़ ये छवि बनाकर रखी गई है हमारे प्रदेश की। आज अगर बिहार बदनाम है तो इसका जिम्मेदार अगर मुख्यमंत्री की वजह से बिहार बदनाम हो रहा है, पंचू चाचा है, तो क्या करना चाहिए हम लोग? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हटा देना चाहिए। जिस मुख्यमंत्री ने सिर्फ कुर्सी के लालच में बार बार गठबंधन बदला, बार बार अपने समझौता किया, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया। बिहार को अगर एक विकसित राज्य बनाना है, बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, तो इसके लिए बिहार में बिहार फर्स्ट। जब तक बिहार का बिहारी फर्स्ट नहीं आएगा तब तक बिहार विकसित राज्य नहीं बनेगा। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने जीवन के अंदर
अपने स्वार्थ की चिंता न करते हुए बिहार के विकास के लिए, बिहार को विश्व राज्य बनाने के लिए वो बिहार फर्स्ट हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही युवाओं को रोजगार मिले, बिहार में ही हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, जहाँ पर बिहारी बुजुर्गों को महिलाओं को बिहार से बाहर न जाना पड़े, किसानों को सम्मान मिले, मजदूरों को अपना अधिकार मिले। दिन रात बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ आगे बढ़े, तो वही भोजपुरी की शुरुआत हम लोग को चार पाँच कभी ये लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, कभी ये लोग जनता भाव को गाली देते हैं, ये लोग सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर सत्ता की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, विकास से इन लोगों को मतलब नहीं है, ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार विकास विरोधी है, ये चाहती नहीं है कि बिहार के विकास हो, ये चाहती नहीं है कि बिहार के युवा हर नहीं जाए, क्योंकि अगर बिहार का युवा पढ़ेगा तो बिहार का युवा मुख्यमंत्री जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल और इसीलिए डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डरते हैं मुख्यमंत्री अपनाते हैं चिराग पासवान को समाप्त करें, चिराग पासवान के पास न आय से ज्यादा संपत्ति है, न कोर्ट कचहरी में हमारे खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, मुख्यमंत्री चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, कैसे करेंगे समाप्त था कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, फिर उन्होंने दूसरा षड्यंत्र रचा, सारा झुकेंगे, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसको इसके घर इसके चिराग पासवान टूट जाएगा, फिर उन्होंने तीसरा षड्यंत्र रचा कि चिराग पासवान का समान इसकी माँ बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है उसके साथ सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान साथियों बिहार के हर एक जिला हर एक पंचायत के घूमने का काम कर रहा हूँ, बिहार के छोटे छोटे में जाने का काम कर रहा हूँ, इतना है बिहार में बदलाव का मन बना लिया, मुख्यमंत्री को बदलना कि नहीं, कौन लोग चाहते हैं, मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा दिखाएं कि बिहार कैसे बदलाव चाहता।
आने वाले दिनों में एक फिर से बिहार का निर्माण करेगी ये वादा। चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता, चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के गांव गांव घर घर जाकर बिहार ध्वस्त बताइएगा सबको सबको बताइएगा बिहार पर बिहारी बनकर बनेंगे चिराग पासवान समर्थन देने के लिए यहाँ पर मौजूद आदरणीय माताएं बहने मेरे आदरणीय बुजुर्ग और मेरे तमाम लोकतंत्र की पार्टी राम नाम जिंदाबाद आओ बनाए नया बिहार, युवा बिहार, चलो चले युवा बिहारी के साथ।